Hello everyone, I welcome to all. This is Ajay and now you're watching JKSSB online tutorial and I hope you will be fine. So आज के लेक्चर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे. सेम टॉपिक बायोलॉजी का लेक्चर नंबर 2. पहले टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था विटामिन स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने आपको 3 विटामिन के बारे में बता दिया था. तो एक बार थोड़ा सा उसका रिकैप लेते हैं, देन आगे चलते हैं आज की क्लास में. और आई होप आज की क्लास के अंदर आपका विटामिन खत्म हो जाएगा. देन नेक्स्ट लेक्चर में आपको इसके एमसीक्यू प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसको मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा. तो इसके पीडीएफ भी 1-2 दिन में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे आपकी ऐप के ऊपर. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को. तो सबसे पहले मैंने लास्ट क्लास में जो विटामिन का पार्ट 1 दिया था, तो आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको अप्रिशिएट किया. तो उसके लिए थैंक्स अ लॉट. एंड ऐसे ही आप कॉपरेट करते रहिए, अप्रिशिएट करते रहिए, ताकि हम भी आपके लिए अच्छे लेक्चर लेके आते रहें. तो चलिए एक बार रिकैप कर दूं मैं. तो पहली क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था, मैंने आपको बताया था. तो विटामिन किसके द्वारा दिया गया, उसका जो वर्ड था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो उसका नाम था सी फंक. सी मतलब कैशमीर फंक. तो उसके बाद मैंने आपको बताया था विटामिन बेसिकली कितने प्रकार के होते हैं. तो वैसे तो आप इन जनरल कितने प्रकार के पढ़ते हो, 6 विटामिन पढ़ते हो. पहला था A B C D E and K. देन मैंने बी के लिए भी आपको नहीं पढ़ाया और आज की क्लास में हम उसको भी खत्म करेंगे कि आप बी के अंदर भी कितने विटामिन पढ़ोगे, जिसको बी कॉम्प्लेक्स क्यों बोला जाता है. तो सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, आपको बताया था ये कि बी और सी कौन से विटामिन हैं जो आपके वाटर सॉल्युबल है. एंड देन आपको बोला जाए फैट सॉल्युबल कौन से हैं, तो सर बचे हुए जो भी होंगे जैसे A C D K. तो ये चारों कौन से थे, ये फैट सॉल्युबल थे. तो कल की क्लास में हमने सबसे पहली बात ये डिस्कस करी थी कि विटामिन ए के बारे में. तो विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विटामिन ए. तो मैंने आपको बोला था इसको आप लिंक करो, आपको पता होना चाहिए कि विटामिन ए की कमी से आपकी आईज में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाती है, जिससे नाइट ब्लाइंडनेस वगैरह एक्स्ट्रा आपको बीमारी होती है. तो इसकी वजह से इसकी जो मेन जो काज था वो क्या था, सर डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए. तो अगर वो आईज की प्रॉब्लम है तो आईज में इमेज कहाँ बनती है, कैसे देख पाते हो, तो आपने बोला रेटिना के ऊपर. तो रेटिना से नाम आपको याद हो गया, इसका केमिकल नेम क्या रहा, रेटिनोल. फिर मैंने उसके बाद आपको बताया कि इसके सोर्स क्या क्या थे. मैंने आपको बताया था एक था आपका ऑरेंज येलो वेजिटेबल जो भी होंगे, आपका फिश हो गया, आपके ग्रीन वेजिटेबल्स होंगे. तो ये सारे इसके मैंने आपको सोर्स बताए थे, ठीक है. फिर मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कौन सा, विटामिन डी के बारे में. तो विटामिन डी मैंने आपको बताया था कहाँ से मिलता है, तो वो मिलता है सर सनलाइट से. तो इसलिए इसको सनशाइन विटामिन से बोला गया. फिर मैंने बोला था विटामिन डी की कमी से आपकी बोन्स वीक हो जाती हैं, और बोन्स वीक होने को उससे जो डेफिशिएंसी जो हमें जो डिजीजेस होती है, तो उसी से हमने याद रखा कि विटामिन डी की कमी से हमारी बोन्स वीक हो जाती हैं. इसलिए उसका नाम भी क्या था, कैल्सीफेरॉल. तो क्योंकि हड्डियाँ किसकी बनती हैं, वो बनती हैं सर कैल्शियम की, और नाम भी था उसका कैल्सीफेरॉल. उससे जो डिजीजेस होने वाली वो क्या क्या थी, तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था एक रिकेट्स डिजीजेस होती है, वो किसमें होती है, वो नॉर्मल बच्चों में होती है. उसके बाद मैंने बताया था ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस. तो ये सारी बीमारियां क्या है, हड्डियों के रिलेटेड थी. मैंने आपको बोला था यहाँ पे भी ऑस्टियो वर्ड लगेगा, उसका मतलब होगा बोन्स, और बोन्स के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका जो मेजर काज होगा वो क्या होगा, आपका मेजर काज जो रहेगा वो रहेगा विटामिन डी. तो उसके बाद मैंने एक और विटामिन आपको पढ़ाया था जिसका नाम था विटामिन सी. तो विटामिन सी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. विटामिन सी में आपने क्या क्या पढ़ा था, सर ये तो हमारी बॉडी में बहुत सारे काम करती है. सबसे पहले क्या करती है, सबसे पहले हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करती है. दूसरी चीज़ सर ये हीलिंग का भी काम करती है, जब आपको इंजरी हो जाती है तो उससे जो रिकवरी होती है वो विटामिन सी की वजह से ही होती है. उसके बाद ये साल्ट रिएक्टिव होते हैं, साल्ट सेंसिटिव होते हैं, मतलब साल्ट के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करते हैं और अपना विटामिन सी उसमें लॉस होना स्टार्ट हो जाता है. देन उसके बाद ये हीट सेंसिटिव भी होते हैं, मतलब हीट के साथ बड़ी जल्दी रिएक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से भी आपका विटामिन सी लॉस हो जाता है. मैंने आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई थी, विटामिन सी एक ऐसा विटामिन सी है जो आपको एनिमल फूड से नहीं मिलता. तो आपको ये मिलता कहाँ से सर, ये आपको मिलता है जितने भी विटामिन डी आपको मैंने बोला था, इसका इंपॉर्टेंट चीज़ कि ये विटामिन कहाँ से नहीं मिलता, ये एनिमल फूड से नहीं मिलता. फॉर एग्जाम्पल जो भी दूध से बने हुए चीज़ें, जैसे आप चिकन मटन वगैरह कुछ भी खाते हो, तो एनिमल फूड से ये बिल्कुल भी आपको नहीं मिलेगा. तो मिलता कहाँ से है, ये मिलता है सिट्रिक फ्रूट से. तो एक बच्चे ने कल कमेंट किया था सर इसमें होता है इसमें, तो मैंने आपको बोला सिट्रिक फ्रूट्स की बात करी मैंने, जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सब में विटामिन सी अच्छा होता है। ऐसा थोड़ी अब खट्टा नहीं होगा उसमें विटामिन सी नहीं होगा। तो मैंने बोला था ज्यादातर ये खट्टे फ्रूट्स में इन जनरल मिलता है आपको, ठीक है। और आंवला इसका सबसे अच्छा सोर्स माना गया है। उसके बाद इतना ही हुआ था। चलो आज हम स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा विटामिन ई के साथ। तो होपफुली आपको क्लास अच्छी लगेगी, जैसे लास्ट क्लास में भी आपने बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया। तो अच्छा लगता है जब आप अप्रिशिएट करते हो, और हम भी कोशिश करते हैं कि क्लास को ज़्यादा बेटर तरीके से आपके सामने प्रेजेंट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बार। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो रहेगा सर आपका विटामिन ई। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है कि आपको इनके केमिकल नेम पता होने चाहिए। तो विटामिन ई का केमिकल नेम याद कैसे रखना है ये भी देखो, आपको अपने आप याद हो जाएगा। तो विटामिन ई बेसिकली इसका जो केमिकल नेम है सर वो है आपका टोकोफेरोल है। ये मैं आपको अभी लर्न करवा दूंगा, पहले मेरी बातों को ध्यान से सुनना। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफेरोल। अच्छा, इसके काम क्या होते हैं, इसके काम क्या होते हैं हमारी बॉडी में, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्या रोल होता है, पहले तो आप लिख लो, इसकी जो डेफिशिएंसी से जो आपको डिजीज होती है उसका नाम है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है, इनफर्टिलिटी होता है कि आप प्रॉपरली क्या होता है कि अगर कोई वुमेन्स होगी तो उनमें बच्चा पैदा ना होने की प्रॉब्लम हो जाती है, इनफर्टिलिटी हो जाती है। उसका एक बहुत मेजर कारण है विटामिन ई की कमी होना। अब ऐसा क्यों होता है ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, और बातों को ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मेरी बात ध्यान से सुनो कि इसको एक और नाम से जाना जाता है। तो वो नाम क्या है वो अभी आपको अपने आप पता चल जाएगा। देखो, विटामिन ई की कमी होने से आपकी एज पे इफेक्ट पड़ जाता है। आपकी एज मतलब ओल्ड दिखना स्टार्ट हो जाती है। अगर आप लंबे समय तक बिल्कुल यंग दिखना चाहते हो देन आपके अंदर विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप लुक वाइज अच्छा दिखना चाहते हो, मतलब नेचुरल ब्यूटी आप अपनी दिखाना चाहते हो, और आप चाहते हो कि हम ज्यादा समय तक सुंदर दिखें, मतलब हमारी एज जल्दी ना आए, बुढ़ापा ना आए, तो हर एक इंसान ऐसा ही चाहता है। तो विटामिन ई की कमी नहीं होनी चाहिए। आप जितने भी कॉस्मेटिक क्रीम्स वगैरह यूज करते हो उन सब में देखो विटामिन ई होता है। आप कोई भी क्रीम्स देखना उसके ऊपर विटामिन ई लिखा होगा, उसमें विटामिन ई होगा ही होगा। तो अब देखो इतने सारे फायदे हैं, किसके लिए, आपके ब्यूटी के लिए, सारे के सारे आप ज्यादा समय तक यंग दिखो। तो उन सबको ध्यान में रखते हुए इसको एक नाम और जाना जाता है, इसको एक नाम से, जिसका नाम है ब्यूटी विटामिन, BEAUT, ठीक है, ब्यूटी विटामिन। तो इसको ब्यूटी विटामिन नाम क्यों दिया गया, क्योंकि सर ये हमारी ब्यूटी को निखारने के लिए काम आता है। अब इसे इनफर्टिलिटी क्यों हो जाती है, देखो एक ये इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है पहले भी, कि ये इट वर्क्स लाइक एंटीऑक्सीडेंट। देखो ये कैसे काम करता है, ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम भी करता है। अब सर एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, चलो इसको ध्यान से समझना। एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, एंटी मीन कोई भी चीज के अगेंस्ट, उल्टा, और ऑक्सीडेंट मीन जो आपकी ऑक्सीजन किसी के साथ रिएक्ट कर देती है उसको ऑक्सीडेंट बोला जाता है। अब होता क्या है कि आपकी बॉडी में तो ऑक्सीजन हर जगह है, आप सांस लेते हो ऑक्सीजन इनहेल करते हो, तो उन सब में ऑक्सीजन होता है, लेकिन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स फॉर्म में होता है, O2 फॉर्म में होता है। जब ये सिंगल बन जाता है तो ये हमारी बॉडी में फ्री हो जाता है। जब ऑक्सीजन हमारी बॉडी में फ्री हो जाता है, मॉलिक्यूल फॉर्म से हटके सिंगल फॉर्म में आ जाता है, ओ की फॉर्म में खाली, तो ऑक्सीजन ओ होता है, मॉलिक्यूल O2, इसको ऑक्सीजन फॉर्म में बोलते हैं, ठीक है। तो अब जो सिंगल जब हो जाता है, जब ये फ्री हो जाता है, तब क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कहीं भी घूमता है। तो यहाँ पे भी इसको लगेगा, ये क्या करेगा, किसी भी पार्ट के साथ ये रिएक्ट कर देगा, ये आपकी बॉडी के किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है। तो अगर ये किसी भी पार्ट को डैमेज कर सकता है, जैसे ज्यादातर बुढ़ापे में क्या होता है कि आपको मोतियाबिंद हो जाता है, मतलब आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, वो किसकी वजह से होता है सर, वो भी इसकी वजह से होता है, फ्री ऑक्सीजन की वजह से। जब ये आपकी आंखों के साथ रिएक्ट करता है तो आपकी आंखों को डैमेज कर सकता है। और एंटीऑक्सीडेंट मतलब इस जो फ्री जो ऑक्सीजन है इसको खत्म करने का काम करता है। तो ये हमारी बॉडी में जब भरपूर होगी तो फ्री ऑक्सीजन आपकी बॉडी का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। जब एंटीऑक्सीडेंट होंगे तो ऑक्सीजन फ्री आपकी बॉडी का कोई पार्ट को डैमेज नहीं कर पाएगी। ये सेल को भी डेड कर देता है, क्यों? क्योंकि रिएक्ट कर देता है बड़ी जल्दी। तो एंटीऑक्सीडेंट समझ आया क्या होता है? एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है सर? फ्री ऑक्सीजन को खत्म करता है, जिससे हमारी बॉडी के पार्ट को डैमेज नहीं होने देता। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो एंटीऑक्सीडेंट कम होगा, एंटीऑक्सीडेंट नहीं हो पाएगा बॉडी में। एंटीऑक्सीडेंट का काम जो कर रहा था वो कम हो गया, उसकी वजह से आपकी औरत या आदमी किसी में भी किसी पार्ट को भी डैमेज कर सकता है, जिसकी कभी कभी कारण बन जाता है कि इनफर्टिलिटी हो जाती है, बच्चा पैदा नहीं हो पाता। ठीक है, तो वो भी इसका एक मेजर कारण। तो आई होप समझ पाए होंगे। तो मैंने बोला इसका विटामिन ई का एक दूसरा नाम है, जिसको आप ब्यूटी विटामिन नाम से जानते हो। क्यों जानते हो? क्योंकि सर इससे ब्यूटी बनाए रखने के लिए बहुत सारा बेनिफिट होता है। अगर आपकी विटामिन ई की आप में कमी नहीं है तो आपकी ब्यूटी लंबे समय तक रहेगी, आप यंग दिखोगे ज़्यादा टाइम तक। तो हर बंदा चाहता है कि वो यंग दिखे, तो इसलिए विटामिन ई की कमी नहीं होने देना। तो इसलिए अगर आपके अंदर विटामिन ई की कमी है तो कभी कभी इसको आप ले सकते हो। ठीक है, और इसका नाम टोकोफेरोल है। अब इसको याद कैसे करें? देखो ये मेरी खुद की बनाई हुई ट्रिक्स है, ये जो मैंने याद करने की ट्रिक्स है ये मेरी खुद की बनाई हुई है। तो आप भी कोशिश करो तो आप भी कोई भी ट्रिक बना सकते हो। देखो टोकोफेरोल, मैंने आपको अभी बताया कि हर इंसान को यंग दिखना है, हर इंसान को मतलब सुंदर दिखना है। तो क्या करोगे आप, आपके पड़ोस में जितने भी आगे पीछे लोग रहते हैं तो आप क्या करो, टोकरी लो, टोकरी में डाल के फेरी लगाओ अपने एरिया में और सबको विटामिन ई बांटो कि भाई खाओ अगर आपको यंग रहना। तो मतलब टोकरी में डाल के फेरे लगाओ, तो टोकोफेरोल टोकरी में डाल के फेरे लगाओ तो आप में विटामिन ई की कमी नहीं होगी। आप लोगों को भी इंस्पायर करे इसके लिए। तो ऐसे याद करो कि विटामिन ई का केमिकल नेम क्या है, टोकोफेरोल। अब इससे इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्यों हो सकती है मैंने आपको ये भी बता दिया। अब ये कहाँ से मिलता है, इसका सोर्स क्या है सर? इसका सोर्स क्या है? तो इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो क्या होते हैं, कोई भी जो सीड सॉइल चीजें होती हैं, जैसे फ्लैक्सीड्स ऑयल्स होते हैं, जैसे तिल बोलते हैं जिसको, जैसे आपका मस्टर्ड सीड होते हैं। अब आपको पता है जो मस्टर्ड सीड्स होते हैं ये आपके 2-3 साल तक आपके घर पे पड़े रहेंगे, ये खराब नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि इनके अंदर जो लिक्विड पाया जाता है, इससे तेल निकलता है, उसके अंदर क्या प्रॉपर्टी होती है सर? उसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है। जब इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है तो ये ऑक्सीजन को रिएक्ट नहीं करने देता, जिसकी वजह से आपका जो बीज होगा, जो आपका सीड होगा वो खराब नहीं होगा। तो होपफुली समझ पाए होंगे। जितने भी आपके सीड्स वाली चीज होती हैं वो सारी की सारी विटामिन ई के अच्छे सोर्स माने जाते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े। थोड़ा सा समझ आ गया ये चीज, विटामिन ई का केमिकल नेम टोकोफेरोल। क्यों? क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे हैं, इसलिए टोकरी में डाल के फेरी लगाओ सबको दो। इसको ब्यूटी विटामिन क्यों बोला जाता है ये भी मैंने बता दिया। कैसे काम करता है एंटीऑक्सीडेंट? एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है, देन आंसर विल बी विटामिन ई। इसकी कमी होने से ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी तो कौन सी डिजीज होती है, जिसका नाम है इनफर्टिलिटी। तो आई होप समझ पाए होंगे सोर्स क्या है ये भी आपको समझ आ गया, मैंने इसको इसके साथ लिंक करके बता दिया। तो अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिख लीजिए विटामिन के। चलो विटामिन के का केमिकल नेम क्या है? इसका केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। इसका एक दूसरा नाम होता है जिसको आप बोलते हो नेफ्थोक्विनोन। अब कुछ तो आपको लर्न करना पड़ेगा, इसकी ट्रिक आप मुझे कमेंट सेक्शन में बना के बताना कि सर इसको याद कैसे रखेंगे। बाकी मैं इसके बारे में आपको पढ़ा देता हूँ कि इसका बेनिफिट क्या होता है। देखो विटामिन के आपकी बॉडी में क्या काम करता है सर? ये हमारी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, इसलिए इसकी जो कमी होने से जो इसकी डिजीज होती है, तो आप बेसिकली ये बोल सकते हो ब्लीडिंग हो जाएगी आपकी। कहीं भी छोटी मोटी इंजरी होगी तो आपको ब्लीडिंग बड़ी जल्दी हो जाएगी, ब्लीडिंग आपकी रुकेगी नहीं। क्यों ब्लीडिंग क्यों होती है? क्योंकि ये ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर होता है। चलिए ये मैं आपकी नॉलेज के लिए आपको थोड़ा समझा देता हूँ कि मतलब क्या होता है। विटामिन के आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। अब ब्लड क्लॉटिंग जो भी बच्चे बायो वगैरह के बैकग्राउंड से हैं वो तो समझ पा रहे होंगे क्लॉटिंग क्या होता है। देखो क्लॉटिंग क्या होता है, खून का थक्का जम जाना, मतलब खून का जम जाना। कभी कभी क्या होता है, बोलते हैं ना ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो गया, ब्लड क्लॉट हो गया कहीं, तो मतलब खून जम गया, तो ब्लड क्लॉटिंग का फैक्टर माना जाता है इसको। ये क्या करता है आपकी बॉडी में, खून को क्लॉट करने के काम आता है। अब आप बोलोगे सर ब्लड क्लॉटिंग होना तो गलत चीज है, तो ये करता तो ये तो बुरी चीज होगी। देखो ये बुरी चीज नहीं है, ब्लड क्लॉट होना आपकी बॉडी में बहुत जरूरी है। अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा, अगर आपकी बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा तो आपका खून बिल्कुल पतला हो जाएगा और आपका बीपी एकदम बढ़ जाएगा। जब खून पतला होगा तो बहुत जल्दी जल्दी फ्लो करेगा, ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाएगा। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट इसके जो प्रॉब्लम होती है, जब जिसके विटामिन के की कमी होने से, जब आपका ब्लड क्लॉट प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा, आपका ब्लड बिल्कुल पतला हो जाएगा। जब आपको कोई इंजरी होगी तो इंजरी होने से वहां से खून रुकेगा ही नहीं। जैसे अब नॉर्मली आपको कोई इंजरी हो जाती है, कहीं ब्लेड वगैरह कुछ भी लग जाता है, तो आप क्या करते हो, उस जगह को पकड़ के रखते हो। जब उस जगह को पकड़ के रखते हो तो वो क्या होता है, एक मिनट छोड़ो तो खून आना बंद हो जाता है। व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड? सर रीजन ये है कि आपका जो खून था, जो ब्लड था, उसको विटामिन के की हेल्प से क्या हुआ, क्लॉट हो गया, वो जम गया और जमने से उसने उसको कवर कर लिया, जिसकी वजह से अंदर से ब्लड आना बंद हो गया। तो इसके लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। ब्लड क्लॉटिंग का काम विटामिन के का है, लेकिन हीलिंग करने का काम विटामिन सी का है। ये छोटी छोटी बातें आपको समझ होनी चाहिए, ये आपके रियल लाइफ में भी काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये चीजें आपको समझ होनी चाहिए। तो विटामिन के का काम है ब्लड क्लॉट करना, विटामिन सी का काम है हीलिंग करना, आपके जख्म को भरना, लेकिन ब्लड क्लॉट से ब्लड को रोकने का काम किसने किया, थक्का जमा के ब्लड क्लॉटिंग होने की वजह से। देखो विटामिन के कि किसके साथ मिलके ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं जो आपकी बॉडी में, थ्रोम्बोसाइट इसको बोला जाता है, ये ब्लड के टॉपिक में आप पढ़ सकते हो। तो थ्रोम्बोसाइट जो ब्लड प्लेटलेट्स के नाम से जाना जाता है, तो ब्लड प्लेटलेट्स के साथ ये उसमें मिलके, ये उसमें होने की वजह, इसकी कमी होने से ब्लीडिंग क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड क्लॉट नहीं होता, आपका खून बिल्कुल पतला हो जाता है। जब आपको डेंगू वगैरह की बीमारी होती है, जब किसी को डेंगू हो जाता है मच्छर के काटने से, तो वो सबसे मेन आप पे किस चीज पे अटैक करता है, वो आपकी बॉडी के जो ब्लड क्लॉट्स होते हैं, सॉरी जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं, जो ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं वो उसको खत्म कर देता है। ब्लड प्लेटलेट्स आपके कम हो जाते हैं तो आपका खून बिल्कुल पतला हो जाएगा, क्योंकि वो ब्लड क्लॉट का काम करता है। ब्लड क्लॉट नहीं होगा, खून बिल्कुल पतला हो जाएगा और आपकी आंखों से, कानों से, नाकों से, नाक से खून आना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि खून पतला हो चुका होता है, तो जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। तो जो आपका डेंगू है वो सबसे मेन यही काम करता है, आपके क्या करता है, ब्लड प्लेटलेट कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड बिल्कुल पतला हो जाता है, जिसकी वजह से आदमी की डेथ हो जाती है। अगर जल्दी डेंगू का पता नहीं चला तो आप टैबलेट खाओगे बुखार की, लेकिन वो क्या था, डेंगू था। ठीक है, ज्यादा समय तक बुखार रहे तो एक बार डेंगू चेक करवा लेना चाहिए। तो विटामिन के का मेन काम क्या है सर, ब्लड को क्लॉट करना। विटामिन के का काम क्या है, ब्लड को क्लॉट करना। ब्लड क्लॉट मतलब ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है ये। इसकी कमी से क्या हो जाता है सर, ब्लीडिंग हो जाती है। आपके नाक से कहीं भी कभी भी खून आ जाएगा, हो सकता है ज्यादा अगर कमी होगी तो आपकी आंखों से खून आना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो इसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि फिर आपको अनीमिया हो जाएगा, खून की कमी हो जाएगी, जिसकी वजह से आदमी की डेथ भी हो सकती है। तो विटामिन के क्या काम करता है, ब्लड क्लॉटिंग का। इसका जो केमिकल नेम वो क्या है, वो है फाइलोक्विनोन, दूसरा नाम क्या है, नेप्थोक्विनोन। तो आई होप विटामिन के का भी आपको आइडिया मिल गया होगा। अब इसका सोर्स क्या है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। बस इसके बाद विटामिन के भी खत्म हो गया, देन इसके बाद हम चलेंगे अभी बी कॉम्प्लेक्स के ऊपर। उसके अंदर हमें कम से कम 8-9 विटामिन पढ़ने हैं, तो मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, करवा सारे दूंगा बट इंपॉर्टेंट बता दूंगा क्या क्या है। विटामिन के भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है कि कौन सा विटामिन आपका ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, जो ब्लड क्लॉटिंग के काम आता है, तो आप बोलोगे विटामिन के। ब्यूटी विटामिन किसको बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये ब्यूटी के लिए काम आता है। विटामिन के का सोर्स है वो है मेन जो आपका है वो है सर लीवर ऑफ और चिकन या मटन, जो भी लोग नॉन वेज खाते हैं। तो आपको क्या करना है, लीवर खाना है आपको, चिकन या मटन में जो भी लीवर होगा उसमें ये सबसे ज्यादा मिलता है। और दूसरा ग्रीन वेजिटेबल से तो हर एक चीज मिलती है। तो ग्रीन वेजिटेबल जो उसमें मेजर होते हैं वो कौन कौन से हैं, वो आपका हो गया फूल गोभी, बंद गोभी, ये सारे आप खा सकते हो, इसमें सबसे ज्यादा मिलता है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं लास्ट विटामिन की तरफ, जिसका नाम है सर विटामिन। मैंने आपका विटामिन चैप्टर ही क्यों बीच में से उठाया, सो एज आप लोग कनेक्ट कर पाओ, आपको पता चल सके कि रियल लाइफ में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है और कैसे आप अपने साथ रिलेट करके चीजों को याद रख सकते हैं। तो मैं भी आपको इसका टेबल बता सकता था कि इसको याद कर लो, मुझे पता है एक भी बच्चा उसको याद नहीं रख पाएगा, तो मैंने कोशिश करी आपको इसको समझाने की, क्योंकि जो नॉन बैकग्राउंड बच्चे हैं उनको इन चीज़ की नॉलेज नहीं है, इवन कि जो इस बैकग्राउंड से हैं उनको भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी जब आप पढ़ोगे, क्योंकि कम्पिटिटिव की पढ़ाई और जो आप क्लासेस में पढ़ के आए हो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है ये आपको नॉलेज नहीं है, ये आपको पढ़ के सीखना पड़ेगा कि क्वेश्चन कैसे आता है, तो इसलिए हम बच्चों को पहले समझाने की कोशिश करते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको साथ साथ बताते जाते हैं। चलो इसमें लिख लो, अब जैसे ये खत्म होता है तो आपका एमसीक्यू भी एक क्लास होगी जिसमें मैं आपको 40 से 50 एमसीक्यू इसके ऊपर करवाने वाला हूँ जो मोर देन सफिशिएंट रहेंगे इस चैप्टर के लिए, ठीक है। और पीडीएफ भी आपको 1-2 दिन में प्रोवाइड हो जाएगा, लेकिन वो ऐप में मिलेगा आपको। चलो विटामिन बी के बारे में हम पढ़ें तो इसमें इसको सर बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसको? इसलिए बी कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारे विटामिन आते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल B1 के बारे में हम पढ़ेंगे, B2 के लिए पढ़ेंगे, B3 के लिए पढ़ेंगे, B4 के लिए नहीं पढ़ेंगे क्योंकि B4 कोई विटामिन सी नहीं होता, B5 के बाद B6 होगा, B7 होगा, B9 होगा और B12 होगा। तो जो मैंने बीच में छोड़ दिए वो नहीं है, इसमें 8 विटामिन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो अब सबसे पहला लिख लीजिए B1, सबसे पहले नंबर पे लिख लीजिए B1। चलो सबसे पहले हमेशा की तरह इसका केमिकल नेम याद करते हैं, क्या होगा सर उसका केमिकल नेम? वो होगा थायामाइन। थाया का मतलब होता है सर सल्फर, सल्फर। तो B1 का जो केमिकल नेम है वो है थायामाइन। तो ये आपको याद रखना है क्योंकि बी के मैं आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, इतने सारों में आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट याद रखने जो क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं। B1 सबसे पहले इसका नाम है थायामाइन, तो थायामीन सल्फर, इसमें सल्फर भी होता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जिसके अंदर सल्फर पाया जाता है, सल्फर जिसके अंदर पाया जाता है वो कौन सा विटामिन है? तो उसका आंसर होगा सर विटामिन B1। इसका केमिकल नेम क्या है? थायामाइन। तो अगर आपने कभी पढ़ा होगा तो थायो का मतलब ही यहाँ पे सल्फर निकल के आता है, तो इस तरीके से आप थोड़ा सा याद रख सकते हो। तो इससे डिजीजेस कौन सी होती है सर? इससे जो कमी होने से एक डिजीज होती है जिसका नाम है बेरी बेरी नाम की डिजीजेस हो जाती है। तो ये आपको याद रखना है, ऐसे भी याद हो जाएगा बीबी, तो बी से बी वाली बेरी बेरी। तो बेरी बेरी क्या होती है? इसमें बेसिकली आपके जो आपका माइंड है वो प्रॉपर बॉडी के साथ कनेक्ट नहीं कर पाता है, इसमें आपकी बॉडी में भी थोड़े से पैचेस वगैरह आ जाते हैं, तो स्किन पे ज़्यादातर इसकी प्रॉब्लम दिखती है। तो जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का काम होगा ये भी ज़्यादातर स्किन के रिलेटेड ही होगा और ब्लड के रिलेटेड, दो ही चीज़ों का काम होगा। इसके लिए आप ये याद रखोगे ये कौन सी विटामिन से, ये B1 की कमी से होता है। कौन सा सर? थायामाइन, जिसको बेरी बेरी नाम से जाना जाता है। ये याद रखना बिल्कुल आसान है क्योंकि B से BB आगे दोनों, तो ये आ चुका है। तो थायामाइन ये याद रखना, इसमें सल्फर भी होता है, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज की फुल ट्रिक तो नहीं दे सकता, जितनी मेरे से बन पाई वो तो मैंने बना दी, बाकी आप खुद भी जिस बच्चे का थोड़ा दिमाग चलता है वो बना सकता है, ठीक है। तो याद करना जैसे मर्जी करो, इसको आप स्किप नहीं करोगे, ये पढ़ना पड़ेगा आपको। तो इसका जो बी के जितने भी सोर्सेस होंगे मैं आपको लास्ट में बता दूंगा क्योंकि सबके सोर्स कॉमन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप लिख लो B2, विटामिन B2। B2 का जो केमिकल नेम है वो है सर राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन RIBO राइबोफ्लेविन, ठीक है। राइबोफ्लेविन इसका केमिकल नेम है। इसका एक नाम और होता है जिसको बोला जाता है येलो विटामिन, इसको येलो विटामिन भी बोला जाता है। अब ये मैं आपको बस समझा देता हूँ क्यों बोला जाता है। देखो कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है और 1-2 बार पूछा भी गया है ये कि आपकी जो काऊ मिल्क होता है, जो आपका काऊ मिल्क है वो येलो कलर का क्यों होता है? आपको बोला जाता है ना कि दूध गाय का पीना चाहिए, क्यों? क्योंकि उसमें विटामिन B2 होता है। आपको बोला जाएगा कि आपका जो काऊ मिल्क होता है वो येलो कलर क्यों होता है? तो आपका आंसर होगा कि उसमें क्या होता है, उसमें बीटा कैरोटीन होता है, उसमें बीटा कैरोटीन होता है। देखो ये विटामिन तो नहीं है, लेकिन इसमें एक चीज और होती है जिसमें आपको बोलते हो विटामिन B2 भी होता है। एग्जाम में क्वेश्चन देखो किस प्रकार पूछा जाता है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि गाय के दूध का पीला रंग किसकी वजह से होता है, तो आंसर विल बी बीटा कैरोटीन। बट अगर आपको पूछा जाए गाय का पीला दूध किस विटामिन की वजह से होता है? तो इसका आंसर विल बी विटामिन B2। तो ये बेसिकली गाय के दूध को रंग पीला देता है, जिसकी वजह से गाय का दूध पीला होता है, इसलिए इसको येलो विटामिन भी बोला जाता है। तो समझिए इसको येलो विटामिन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये पीला कलर प्रोवाइड करता है। दूसरा, इसको राइबोफ्लेविन भी बोला जाता है। इसकी कमी से जो एक आपको डिजीजेज होती है उसका नाम है, जो मेजर कॉमनली जो इन जनरल बोला जाता है वो बोला जाता है आपको केलोसिस। अब ये केलोसिस क्या होती है? ये केलोसिस क्या होते हैं? ये बेसिकली आपके लिप्स के नीचे क्रैकिंग आ जाते हैं, क्रैकिंग बिलो द लिप्स। आपके लिप्स के नीचे क्रैकिंग आ जाता है, छोटे छोटे दाने टाइप हो जाते हैं, तो जिसको बोला जाता है केलोसिस। ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B2 के। इससे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका केमिकल नेम क्या है? राइबोफ्लेविन। तो उसको येलो विटामिन भी बोला जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि येलो विटामिन किसको बोला जाता है। जैसे बीटी विटामिन किसको बोला जाता है? विटामिन E को बोला जाता है। तो इसको येलो विटामिन क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें पीला कलर प्रदान करता है। ये कैसे गाय का दूध आप एग्जाम्पल दे सकते हो, पीला होता है, तो उसको इसलिए येलो विटामिन भी बोला जाता है। आपको बोला जाए गाय का दूध पीला क्यों होता है, तो आंसर विल बी बीटा कैरोटीन, बट किस विटामिन की वजह से? आंसर विल बी विटामिन B2। तो आई होप समझ पाए होंगे इतना। अगला विटामिन लिख लीजिए, विटामिन B3। एक बार मैं ऊपर वाला मिटा देता हूं, ये मैं ऊपर वाला मिटाता हूं। B1 का केमिकल नेम क्या था? थायमाइन। थायमा का मतलब सल्फर, उसमें सल्फर भी पाया जाता है। आगे लिख लीजिए सर विटामिन B3। इसका भी केमिकल नेम बड़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। देखो इसका जो केमिकल नेम है वो है नियासिन, और इसका जो दूसरा नाम है वो है सर निकोटिनिक। ठीक है, कैसे हम याद करेंगे ये भी आपको पता चल जाएगा। बेसिकली आप लिख लीजिए कि B3 की कमी से आपको एक कॉमन डिजीजेस होती है। अगर B3 की कमी हो जाए तो एक कॉमन डिजीज देखी गई है जिसका नाम है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये, पेलाग्रा। क्या सर? पेलाग्रा। और पेलाग्रा क्या होती है? इसको एक दूसरे नाम से जाना जाता है जिसको बोला जाता है 3D और D3 डिजीजेस। 3D और D3 डिजीजेस किसकी कमी से होती है? उसका आंसर रहेगा आपका B3 विटामिन से। यहाँ पे 3 लगा हुआ है, यहाँ पे भी 3 लगा हुआ है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है। इट मीन्स ये तो याद हो जाएगा 3D या D3 B3 की कमी से होगा। आपको पेलाग्रा याद करना पड़ेगा। इसका नाम नियासिन है, ठीक है, नियासिन या निकोटिनिक। तो निकोटिनिक ऐसा लिख लो आप, ठीक है, ऐसा। तो 3D का मतलब है या D3 का, तो सबसे पहले था सर एक डायरिया, और एक है आपका डिमेंशिया। ये तीनों का मतलब है, इसमें तो आपको लूज मोशन हो जाते हैं, इसमें आपकी स्किन ड्राई हो जाती है, और इसमें आपका क्या होता है, आपको बोलना स्टार्ट हो जाता है, बड़ी जल्दी आप भूल जाओगे चीजों को। तो ये तीनों की तीनों इस D3 का मतलब या 3D का मतलब है। तो आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 3D डिजीजेस किसकी वजह से होती है। तो 3D आप ये मत समझना ये मूवी का नाम है या 3D मूवी आप देख रहे हो, 3 डायमेंशन। तो ये 3D एक्चुअली डिजीजेस के नाम है जो डी से स्टार्ट होने वाले हैं। ये किसकी डेफिशिएंसी होते हैं सर? ये ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ B3। तो यहाँ तक क्लियर हो गया आई थिंक। तो B3 का केमिकल नेम नियासिन है। कैसे याद करेंगे सर? याद ऐसे ही करेंगे कि इससे ना हमें एक ही विटामिन से 3 नई बीमारियां देखने को मिलती हैं, 3 बीमारियां एक साथ एक ही विटामिन से। तो इसको 3D भी बोला जाता है और D3 भी बोला जाता है। तो नया सीन देखने को मिला आपको कि एक ही विटामिन से 3 बीमारियां एक साथ। तो नया सीन देखने को मिला कि न्यू सीन, तो नया सीन मतलब नया सीन देखने को मिला। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो इसको। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे लिख लीजिए B5। आगे लिख लीजिए B5, क्योंकि B4 तो कोई विटामिन नहीं है। ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका नाम याद करना बहुत आसान है, जिसको आप जानते हो पेंटोथेनिक नाम से। इसका केमिकल नेम है गाइस पेंटोथेनिक। तो आपको पता होगा, मैथ में पढ़ा होगा, 5 का मतलब क्या होता है? 5 का मतलब बेसिकली पेंटा, तीन का मतलब ट्राई, तो इस तरीके से पेंटा से ये पेंटा ही तो लिखा हुआ है, पेंटो पेंटोथेनिक, तो पेंटोथेनिक इसको बोला जाता है। अब इससे आपकी एक डिजीज जो कॉमन होती है वो कौन सी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपको सबको इसके बारे में पता होना चाहिए, बाइटनिंग ऑफ हेयर, और दूसरा यही आपकी जो आपकी स्किन ड्राई हो जाती है। तो वाइटनिंग ऑफ हेयर, आपके जो बाल हैं वो सफेद हो जाते हैं, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आपके बाल सफेद क्यों होते हैं, क्योंकि आप में B5 की कमी होती है। इसको लर्न कैसे करेंगे, इसको लर्न इस तरीके से करोगे, आपको पूछे सर आपके बाल सफेद हैं कि काले हैं अभी, तो आप बोलोगे मेरे बाल तो काले हैं लेकिन 4-5 बाल सफेद हो गए हैं, 4-5 नॉर्मल है, 4-5 बाल मेरे सफेद हो गए हैं, तो 4 तो कोई विटामिन नहीं है लेकिन 5 है, B5, तो 4-5 मतलब 5 बाल आपके सफेद हैं, जिसको आप याद करोगे वाइटनिंग ऑफ हेयर्स मतलब बाल का सफेद होना किसकी कमी से होता है, तो आप बोलोगे सर B5 की कमी से होता है। इज दैट क्लियर? तो आई होप यहाँ तक तो बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज, आगे लिख लीजिए आप B6। तो B6 विटामिन का केमिकल नेम क्या है? इसका नाम है सर प्रीडोक्साइन। क्या सर? प्रीडोक्साइन। तो इसका केमिकल नेम है प्रीडोक्साइन। अब इससे होता क्या है? B6 की कमी से, देखो B6 की कमी से सेम यही स्किन की प्रॉब्लम होती है आपको। देखो B3 से लेके आपको 7 तक स्किन की कमी होगी। देखो हेयर व्हाइट हो जाना भी, आपकी स्किन वहां से वीक हो जाती है, प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच पाती है, बाल का जड़ना भी स्किन वीक हो जाती है, वहां पे आपकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती है, तो इससे भी यही स्किन की प्रॉब्लम है। हाँ, एक बार IAS के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया कि फॉर्मेशंस ऑफ ड्रीम्स किसकी वजह से होता है, कौन सी विटामिन की उसमें हेल्प होती है, मतलब आपके जो सपने बनते हैं, आपके सपना आता है आपको रात को, वो किसकी वजह से बनते हैं, तो सपना बनने का रीजन क्या होता है? B6 विटामिन। ये IAS के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था, फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम्स किसकी वजह से होते हैं, तो फॉर्मेशन ऑफ ड्रीम्स आपके B6 की कमी से होते हैं, और सॉरी B6 की वजह से होते हैं। तो आपको अगर ज्यादा ड्रीम्स आते हैं इट मीन्स कि आप में B6 अच्छा खासा है, ठीक है। तो ये IAS के एग्जाम में पूछा गया था। फिलहाल आपको ये स्किन के रिलेटेड डिजीज होती है, इसका केमिकल नेम याद रखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन आप लिख सकते हो। हाँ, ये तो नाम सासा याद हो गया, 3 वाला नियासिन मैंने याद करवा दिया आपको कैसे करना है। आगे लिख लीजिए सर, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। मैं लास्ट लिख देता हूँ B7, B9 और B12। तो B3 का नंबर नियासिन, नियासिन मतलब नियासिन देखने को मिला इसमें 3 तरह की बीमारी होगी। 3D का मतलब मैंने समझा दिया, जिसको आप प्लेगरा के नाम से भी जानते हो। एंड देन B5 हमने पढ़ा, B5 से ही पता चल गया पेंटो, पेंटोथेनिक। इससे क्या होता है सर? वाइटनिंग का फेयर, 4-5 बाल आपके सफेद हो चुके हैं। तो 6 का मतलब प्रीडोक्साइन। तो प्रीडोक्साइन का क्या बीमारी होती है? उससे भी आपकी डर्मेटाइटिस। तो आगे बढ़े थोड़ा सा, चलिए B7 की तरफ बढ़ते हैं। मैं इसको एक बार मिटा देता हूँ, ऊपर वाले को मिटा देते हैं सो एज हम बाकी वाले नाम लिख पाए। तो चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए। अगला इसका नाम है सर B7। अब B7 क्या होता है? इसका केमिकल नेम है सर आपका बायोटिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए बायोटिन। आप जब भी कोई भी ऑयल लेते हो उस ऑयल की बॉटल पे देखना बायोटिन लिखा होगा। कोई भी आप सर पे लगाने वाला ऑयल यूज करते हो उसमें देखना बायोटिन कंफर्म लिखा होगा। तो बायोटिन से क्या होता है? आपके हेयर फॉल होते हैं अगर ये कम हो गया तो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। बाकी ये वाला तो रहेगा ही, स्किन आपकी ड्राई होने वाला, तो स्किन की प्रॉब्लम तो करेगा ही। बाकी B7 की कमी से क्या हो जाता है? आपके हेयर फॉल होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब बाल का झड़ना, इसका रीजन B7, और B7 का केमिकल नेम बायोटिन। बायोटिन आप एक बार बोतल उठाना, देखना, अपने समझ आ जाएगा। उसमें B7 भी लिखा होगा, बायोटिन भी लिखा होगा, तो समझ जाओगे कि ये किसके लिए है, कि बाल झड़ना रोकने के लिए इसकी कमी हो जाए। आगे बढ़े, चलिए B9 लिख लीजिए सर। B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं क्योंकि क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, कोशिश है इसको आज खत्म कर दें। तो बायोटिन का आप बॉटल पे देखना, नाम याद हो जाएगा। पी से पेंटा पेंटा हो गया, सिक्स से आपका इसको इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी लिख लो, हो सकता है एग्जाम में कभी पूछ सकता है। तो ये केमिकल ने भी पूछा हुआ, इसका नाम है फॉलिक एसिड। इसका नाम B9 का एक बहुत अच्छा फीचर है। ये क्या होता है, आपकी बॉडी में आयरन प्रोवाइड करता है। आपकी बॉडी में आयरन पाया जाता है। आपको पता है बहुत सारे मिनरल्स होते हैं आपकी बॉडी में, जैसे जिंक, आयरन वगैरह सब, बहुत सल्फर, बहुत कुछ होता है। तो आयरन बेसिकली आपकी बॉडी में क्या काम करता है, ये ब्लड का फॉर्मेशन करता है, ये ब्लड को बनाता है। अब आयरन आपकी बॉडी में B9 की वजह से मिलता है। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया कि आयरन कौन सी विटामिन में पाया जाता है, सल्फर कौन सी विटामिन में पाया जाता है। तो सल्फर क्या था, थायामाइन, थायामाइन सल्फर, और B9 में आयरन। अब आयरन का मेन रोल है आपकी बॉडी में ब्लड को बनाना। कैसे बनाता है, क्योंकि आयरन से बनता है HB। HB मींस हेमोग्लोबिन। ये मैं आपको ब्लड में बहुत अच्छे से समझा दूंगा अगर आपके सिलेबस में ब्लड हुआ तो, अदरवाइज नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ थोड़ा सा। आयरन से क्या बनता है, हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन वही होता है जो आपके RBC को रेड कलर प्रोवाइड करता है। आपका RBC जो सेल्स होते हैं वो रेड क्यों होते हैं, क्योंकि उसमें हेमोग्लोबिन होता है। तो मेल में जो ऑन एन एवरेज देखा गया वो होता है 12 से 17 ग्राम तक, और फीमेल में 12 से 14 ग्राम तक, ऑन एन एवरेज की बात कर रहा हूँ। तो आपकी बॉडी में जो ग्राम्स होता है वो HB चेक करवाते हो, ठीक है। ब्लड आपका kg में होता है लेकिन HB ग्राम्स में होता है। तो HB क्या होता है, आपके RBC को रेड कलर प्रोवाइड करता है। आपका RBC रेड क्यों होता है, आपको पूछा जाएगा आपको ब्लड रेड क्यों होता है, तो वो RBC की वजह से। लेकिन RBC रेड क्यों होता है, उसमें हेमोग्लोबिन होता है। अब RBC अगर ये आयरन कम हो जाएगा, B9 कम हो जाएगा, तो आयरन की कमी होगी। आयरन की कमी होगी तो RBC की कमी हो जाएगी, और RBC की कमी होगी तो आपके अंदर खून की कमी हो जाएगी, जिसको बीमारी में बोला जाता है एनीमिया। एनीमिया देखो, एनीमिया होने से आपको कभी भी ब्लड चढ़ाने से ठीक नहीं होगा। अगर खून की कमी है तो खून चढ़ाने से ठीक नहीं होगा। वो कैसे ठीक होगा, आपको बॉडी को अंदर से स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा कि आपकी बॉडी इसका फॉर्मेशन कर पाए। वो ऑपरेट कराते टाइम आप ब्लड की जरूरत पड़ती है, क्योंकि उस टाइम ब्लड लॉस होता है, तो वो ब्लड रिकवर हो जाता है। लेकिन आपकी बॉडी कितना ब्लड बना पा रही है, कितना मेंटेन कर पा रही है, वो आपकी बॉडी करेगी। उसको ब्लड चढ़ाने से ये बीमारी ठीक नहीं होगी। एनीमिया मतलब खून की कमी हो जाना। तो समझ पाए बात को। सर B9 का केमिकल नेम है फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड, इसके अंदर B9 में आयरन पाया जाता है। आयरन का मतलब RBC को रेड कलर प्रोवाइड करना, उसमें HB होना। अगर HB की कमी हो जाएगी, RBC की कमी हो जाएगी, तो ब्लड की कमी हो जाएगी। ब्लड की कमी हो जाएगी तो आपको सर अनीमिया हो जाएगा। इज दैट क्लियर? सो आई होप यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब लास्ट विटामिन का नाम लिख लीजिए सर B12, और आज की क्लास हम खत्म करते हैं। इसका केमिकल नेम है साइनाकोअल्मीन। तो ये देखो यहाँ से COBAL, तो कोबाल्ट वर्ड यहीं से आता है। इसके अंदर कोबाल्ट होता है। सर क्या होता है, सर कोबाल्ट होता है। तो ये क्या काम करता है, ये सर काम करता है, देखो ये नाम से कोबाल्ट से पता चल गया। पूछा जाएगा कोबाल्ट कौन से विटामिन में पाया जाता है, तो B12 विटामिन में पाया जाता है। अच्छा, ये काम क्या करता है सर, ये काम क्या करता है, ये अब्जॉर्प्शन करवाने का काम करता है। आपके ब्लड को अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, ठीक है। आपके ब्लड को अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है, तभी तो ब्लड बनेगा। ये अब्जॉर्प्शन होगी तभी तो ब्लड बनेगा। तो जब आयरन का अब्जॉर्प्शन हो जाएगा, अच्छे से अब्जॉर्ब करेगा इसको, अगर इसको अच्छे से अब्जॉर्प्शन होगा इसका, तो अच्छे से ब्लड भी बनेगा। तो इससे भी जो कमी होती है वो क्या होता है सर, एनीमिया। इसकी भी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। क्योंकि ये क्या है, आयरन वगैरह को अब्जॉर्ब करने के लिए हेल्प करता है। अगर आपकी बॉडी में आयरन अब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा अच्छे से, तो ब्लड कहाँ से बनेगा, तो उसमें भी आपको एनीमिया की कमी हो जाएगी। तो ये मैंने लास्ट में थोड़ा सा फास्ट चला, लेकिन कोई बात नहीं, फिर भी अच्छे से मैंने आपको बता दिया। तो ये था आपका विटामिन का टॉपिक। यहाँ तक मुझे लगता है इसमें और भी बहुत सारी बातें, लेकिन इतना डिटेल में हम नहीं जा सकते। ये मोर देन सफिशिएंट होगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट जो MCQ मिलेंगे वो आप करोगे, जिसका PDF आपको ऐप में मिलेगा, और वो मैं डिस्कस इसके लिए आपको एक वीडियो लेक्चर मिल जाएगा उसका भी। तो बेसिकली आज हमने पढ़ा B7 मतलब बायोटिन। तो बायोटिन क्या होता है, आपके हेयर ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो वो हेयर फॉल हो जाएगा। B9 मतलब फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इसमें क्या होता है, आयरन होता है। आयरन से ब्लड बनता है, ब्लड की कमी से, इसकी कमी से क्या होगा फिर, अनीमिया। B12 का मतलब इसमें कोबाल्ट वगैरह होता है। इससे भी क्या होता है, ये अब्जॉर्प्शन करने का काम करता है, जिसमें आपकी आयरन वगैरह, ब्लड वगैरह का अच्छे से अब्जॉर्प्शन हो पाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, इसकी कमी होने से अच्छे से अब्जॉर्ब नहीं होगा तो ब्लड नहीं बनेगा, जिसमें अनीमिया हो जाता है। B5 नाम से पता चल रहा है, पेंटाथेनिक। तो पेंटाथेनिक मतलब व्हाइटनिंग ऑफ हेयर। तो 4-5 ब्लैक आपकी हेयर व्हाइट हो चुके हैं। तो B7 मतलब हेयर फॉल, ठीक है, मतलब 5-7 बाल आपके बचे हुए हैं, 5-7 हेयर बचे हैं जो वो भी उड़ जाएंगे। इसका मतलब वाइटिन की कमी होगी, B7 की कमी होगी। B6 का मतलब क्या है सर? इसका मतलब है सर पेरिडॉक्साइड। पेरिडॉक्साइड केमिकल नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही बता दिया, इससे भी स्किन की प्रॉब्लम होगी। तो लास्ट वाले जो 2-3 विटामिन हमने पढ़े इसी में, उसका मतलब है आपके ब्लड की कमी होती है, वो सारे काम किसमें करता है? ब्लड बनाने में। उससे पहले हमने पढ़ा इसमें स्किन की प्रॉब्लम थी। B1 B2 का मैंने आपको बता दिया। विटामिन E मैंने बता दिया क्या होता है सर, वो ब्यूटी विटामिन क्यों बोला जाता है, अच्छे से मैंने बहुत डिटेल में आपको समझा दी वो बात। फिर मैंने आपको और क्या बता दिया आज E के साथ साथ, हाँ विटामिन K बता दिया, जो क्या करता है सर ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है, क्या करता है वो ब्लड को क्लॉट करता है। जिस तो E की कमी से क्या होता है? इनफर्टिलिटी होती है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें एंटीऑक्सीडेंट कम हो जाते हैं। एंटीऑक्सीडेंट मतलब फ्री ऑक्सीजन को खत्म करता है ताकि वो आपकी बॉडी को डैमेज ना कर पाए। तो आज की क्लास भी हमने बहुत अच्छे से कवर अप करा जो भी हमारा टॉपिक था आज का विटामिन। तो आई होप आपको विटामिन थोड़ा बहुत आइडिया अच्छे से समझ आ गया होगा कि इसको किस प्रकार पढ़ना है। क्वेश्चन कैसे आते हैं? केमिकल नेम से क्वेश्चन आते हैं, कभी कभी इंपॉर्टेंट जैसे विटामिन सी का सोर्स पूछ लेता है तो सोर्स से क्वेश्चन आते हैं, और डिजीजेस से क्वेश्चन तो कंफर्म पूछा जाएगा, आपके सिलेबस में डिजीजेस लिखी हुई है, ठीक है। तो चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, और कमेंट सेक्शन में बताइए क्लास कैसी लगी। अगर आपको अभी विटामिन में कोई भी कमी लग रही है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। बाकी जो भी बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से वो स्पेशली कमेंट करके बताएं कि क्या उनको थोड़ी थोड़ी बातें समझ आई, वो कर सकते हैं इसको भी लर्न। तो चलिए ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू। हाँ दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, बाय।